हेलो माय ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड माय चार्मिंग बॉयज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बाय द टाइटल आप लोगों ने पता लगा दिया होगा कि आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स दैट यूट्यूबर्स मेड मी बाय, मतलब उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने वो चीज़ें ली हैं और वो बहुत ही टाइम से मेरी ऐसे ना नजरों में थी तो मैंने वो खरीद ली। तो जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, लाइक हर चीज़ आपको आई थिंक बिलो 300 और 200 मिल जाएगी आज की वीडियो में, लेकिन वो लाइक तीन बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही मतलब नंबर ऑफ यूट्यूबर्स उन्हें ना यूज़ करते हैं और इसीलिए मैंने वो चीज़ें मंगाई है। और आज जो मैंने मेकअप क्रिएट किया उसमें मैंने कुछ चीज़ें यूज़ भी की हैं उनमें से। तो अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। आपके पिंपल निकल आएंगे ऐसे ही पुटुक पुटुक करके, जो मिस्टेक मैंने की हुई है मैं नहीं चाहती कि वो आप करें। और अभी तक मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती आ रही थी, मैंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया था उस चीज़ में, लेकिन मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देखा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके रिव्यूज़ थे, इसलिए मैंने इस चीज़ को मंगा लिया और सेल के दौरान ही मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गार्नियर स्किन नेचुरल्स का माइसेलर क्लिंजिंग वाटर ऑल इन वन, इवन फॉर सेंसिटिव स्किन, क्लिंजेस, सूदेस, रिमूव्स मेकअप, चाहे फेस हो, लिप्स हो, आई हो, सब कुछ हटा देगा। नो परफ्यूम, नो अल्कोहल, नो रेजिड्यू। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये और मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है। इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये अपन को 400 ml मिलता है और इसका जो MRP है वो है 349 rupees, लेकिन मुझे ये ड्यूरिंग सेल जो अभी चल रही थी नायका पे मेकअप की 50% ऑफ वाली, उसमें मुझे 245 का मिल गया और इतना ज़्यादा क्वांटिटी मिला है लाइक 400 ml विच इज़ सुपर्ब, इसलिए मैंने ले लिया इसे। ये अपन यूज़ करेंगे लेकिन अपन मेकअप हटाएंगे किसे, तो सिर्फ मिसेलर वाटर है तो अपन को चाहिए कॉटन पैड्स। तो सेकेंड थिंग इज़ दिस, यहाँ पर मैंने लिए हैं ट्यूलिप के ये कॉटन पैड्स, इसमें आपको मिलते हैं 50 pieces और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इनको मैंने यूज़ भी कर किया हुआ है, इसका पैक ऐसे अगेंस्ट सील बंद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें डस्ट नहीं घुसेगा बिल्कुल भी, इट्स अ मस्ट। और ये बहुत ही सस्ता आता है, लाइक इसका MRP इज 80 rupees बट आई वॉन्ट इट फॉर ओनली रुपीज़ आई थिंक 40 or 50 में भी। सो या आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं और जो भी मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। मेकअप के साथ साथ ना आज मेरे पास मेरा नींबू पानी भी है जिसे मैं पी रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसा हो रखा है, सो नेवर माइंड गाइस, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दिस इनसाइड का मेकअप इसेंशियल प्रो कंसीलर पैलेट। ठीक है, ये आपने बहुत यूट्यूबर्स को देखा होगा जो मतलब इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कोई मेकअप वीडियो बनाते हैं या फिर वैसे ही बिलो 200-300 मेकअप प्रोडक्ट्स का वीडियो बनाते हैं उसमें, और मैंने आज इससे कंटूरिंग की है और मैंने यहाँ पे अपने कंसील भी किया है इससे। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मतलब इतना इजीली ब्लेंड हो सकती है कोई चीज़ मुझे अंदाज़ा नहीं था। इट ब्लेंड्स लाइक हेवन, आप देखो इसको, मतलब सुपर्ब। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही चीप है। इतने सारे कलर्स इसमें इसलिए हैं कि ऑरेंज कलर करेक्टर जो डार्क सर्कल्स और जो भी पिगमेंटेड एरिया होता है उसके लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं या फिर जो अपने एकदम रेड रेड से पिंपल पॉप आउट होते हैं ना नए, उसको अपन कलर करेक्ट करते हैं इस पर्पल वाले कलर करेक्टर से ताकि वो जो रेडनेस है वो दब जाए। और लाइट ग्रीन से भी कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा होता है तो पर्पल वाले से करते हैं। और बाकी तो इसमें कंसीलर है अंडर आइज़ में लगाने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इसे हाईलाइट कर देता है आपका अंडर आई एरिया। आज मैंने इसे यूज़ किया है तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है। और ये दो कॉन्टोर शेड्स हैं, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 199 rupees, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको और इसका क्वांटिटी भी कम नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी आपको मिल जाता है। नेट कंटेंट इसमें 15 ग्राम है, मैंने इसे लिया है आई थिंक इन जस्ट रुपीज़ 170 or 150 अराउंड, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अप आई हैव दिस मेबी लेस सेंसेशनल मस्कारा, लुक एट द वॉन्ड, इसका वॉन्ड बहुत ही अच्छा है, एकदम ऐसे थोड़ा सा इसमें बीच में कर्व है और यहाँ पे ज़्यादा बड़े एजेस हैं और यहाँ पे थोड़े छोटे ब्रशेज हैं इसमें। और ओह माय गॉड, आई थिंक इट्स गोना वर्क
अमेजिंग। मुझे इसका बॉन्ड देख के अंदाजा हो रहा है कि कितना अच्छा है, और मैंने सोचा वाई नॉट ट्राई दिस आउट। इसका जो MRP है वो है 510। ओके, ये सबसे महंगी चीज़ है मेरे इस कलेक्शन में जो भी मैंने मंगाया है, लेकिन ये मुझे ड्यूरिंग से 350 का मिल गया था, तो ये बहुत ही अच्छी डील थी, इसलिए मैंने जल्दी से ग्रैब कर लिया क्योंकि मुझे इसे ट्राई करना था। तो मेरे इस मेकअप के पिटारे में ना इनसाइड की चीज़ें बहुत सारी हैं, क्योंकि मुझे इनसाइड की चीज़ें बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा चीप होती हैं प्राइस की बात करें तो ओवर, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब होती है। इसलिए जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगाई है वो है दिस इनसाइड मेकअप एसेंशियल का HD फिनिशिंग लूज पाउडर। ड्राई एरिया को बेक करने के लिए होता है, और आप यहाँ पे भी बेक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्टोर और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए और चिन भी थोड़ी शार्प लगे। सो मैंने ये मंगा लिया, इसका प्राइस इज ओनली ₹135, लाइक इनसेन 30 ग्राम क्वान्टिटी मिलती है, ठीक है। ये मैंने मंगाया है इन दी शेड लाइट, इसमें आइवरी भी होता है और शायद एक हनी होता है, मैंने लाइट मंगाया है जो कि फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए होता है, और आप देख सकते हैं इसका इस तरीके का कुछ कलर आया है। इसमें आपको एक स्पंज भी दिया हुआ है जो कि मुझे लगता है वेस्ट है, क्योंकि इस तरीके का स्पंज अपन यूज़ नहीं करते हैं मेकअप के दौरान, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद इसे यूज़ करना। ये बहुत ही अच्छा है बेकिंग करने के लिए, एकदम से आपका एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा शार्प लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो या आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मिल गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट चीज़ जिसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेताब थी वो है दिस इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर, लाइट सॉफ्ट फोकस एंड ब्लर, ये आपके पोर्स को बिल्कुल ब्लर आउट कर देता है। इसका MRP इज ₹315, क्योंकि इसमें जो अपन को वॉल्यूम मिलती है वो मिलती है अपन को 30 ml क्वान्टिटी मिल रही है, इसलिए इसमें एक छोटा वाला भी आता है जो कि आई थिंक 150 रुपये तक का आ जाता है, पर वो आउट ऑफ स्टॉक था इसलिए मुझे ये मंगाना पड़ा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आज मैंने इसे लगाया है और यू गाइस वोंट बिलीव इट वर्क्स वंडर्स, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम से ही आपका एरिया ब्लर आउट कर देता है। अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत फट भी रही होती है ना तो ये उसको भी हाइड कर देता है, और बहुत ही अच्छे से मेकअप इस पर ठहर जाता है। ये एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आता है, और इसके लिए तो लाइक मैंने कितने यूट्यूबर्स को देखा है, मतलब बड़े बड़ी बहुत ही मतलब हाई एंड जो ब्रांड्स हैं ना उसका ड्यूप बताते हैं इससे, मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस देखे हैं, आई एम नॉट लाइंग, बहुत ही अच्छा है ये, आप डेफिनेटली इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। यू कैन सी दिस, इसने इंस्टेंटली कितना ज़्यादा सॉफ्टन और अच्छा सा कर दिया है मेरे हाथ, यहाँ से कैमरे पर विजिबल नहीं हो पाता है, बट अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप मतलब सच में बोलेंगे कि हाँ एकदम सही चीज़ बताई है यार, तो चेक इट आउट गाइस। लास्टली जो चीज़ मेरे पास है इनसाइड ब्रांड की चीज़ों में से वो है दिस HD कंसीलर। सो द रीज़न व्हाई आई पिक अप दिस इज बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना वो इसको यूज़ करते हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगा कि मतलब इतना छोटा सा ब्रांड मतलब चीपर प्राइजेस में वो अपन को अवेलेबल करा रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मेरा इसमें LNP 15 है शेड, आज मैंने इसी से अपना फेस कंसील किया। लुक एट द वॉन्ड, इसका इतना भारी भरकम सा मोटा सारा वॉन्ड है, मतलब दो स्पॉट ही काफ़ी है लगाने के लिए और आपका अंडर आई एरिया कंसील करने के लिए। सी दिस, इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जल्दी ये कंसील कर देता है। सी, एकदम मेरे स्किन टोन का है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मैंने इसे यूज़ किया और इसने बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करी मेरी स्किन में, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मेरी स्किन लाइक हेल्थ सेंसिटिव है, बहुत ही भयंकर सेंसिटिव है, मैं बिल्कुल भी कुछ भी लगाती हूँ यहाँ पे तो बहुत जल्दी मुझे जलन हो जाती है, पता नहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरा ये एरिया तो स्पेशली, पर इसने बिल्कुल भी मुझे इरिटेशन नहीं करी। मैं आपको सच बताऊँ तो जो मेरे पास मेलिन का कंसीलर है ना उससे मुझे इरिटेशन हो जाती है कभी कभी, जब मेरा अंडर आई फट रहा होता है, बट इसने मुझे इरिटेट नहीं किया। आज मैंने इसे यूज़ किया है, आज मैं अपना मेकअप कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा है ये, और इसका प्राइस इज़ ₹230, लाइक सीरियसली यू कैन गेट इट इन ओनली रुपीज़ आई थिंक 180, मैंने इसको 172 में मंगाया था ड्यूरिंग सेल। इसका कवरेज इज़ लाइक ऑसम, बहुत ही अच्छा और फुल कवरेज देता है, सो यार डेफिनेटली चेक आउट दिस। सो लास्टली आई हैव बंच ऑफ स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि मुझे ट्राई करने थे, ठीक है। जो पहली चीज़ है वो है ये स्विस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट नंबर 2। ओके, सो मुझे ये ट्राई करना था। एक ही ड्रॉबैक लगा मुझे इसका कि इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जैसे तो अपन कोई दवाई ले रहे हों, अगर आप पैरासीटामोल सूंघेंगे ना तो वैसी ही स्मेल आ रही है इसमें से, पर इसका पिगमेंटेशन बहुत ही इनसेन है, यू कैन सी दिस, इट इज़ हाईली पिगमेंटेड। इसमें आपको शिमर और मैट दोनों शेड्स मिल जाती हैं। द रीज़न वाई आई पिकअप दिस वन
पैलेट नंबर 02, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रल शेड्स हैं जो कि डेली एवरीडे मेकअप के लिए परफेक्ट रहते हैं, और इसमें ब्राउन के शेड्स भी हैं दो, तो उससे अपन आईब्रोज भी फिल कर सकते हैं, और इसमें शिमर भी है, तो मतलब ये परफेक्ट डील है अगर आपको कॉन्टोर, आईब्रो और ब्लश लगाना हो और थोड़ा सा ब्लश को हाईलाइट करना हो पीछे से कलर से, तो ये परफेक्ट है, इसलिए मैंने ये पिक करा। ज़्यादा अपन कहीं जाते हैं तो एकदम ऐसे सब कुछ ही भर भर के लेके जाने से बेटर है अपन एक ऐसा पैलेट कैरी कर सकते हैं जो कि काफ़ी चीज़ों का काम कर सकता है और फिर बहुत कुछ सॉल्व आउट हो जाता है, जैसे कि ये इनसाइड का। इसमें भी अब सिर्फ इसको ले जाएंगे तो और कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कंसीलर, कॉन्टोर, करेक्टर, नथिंग, जस्ट टेक दिस विद यू और ये सारे काम कर देगा। सो या नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यूज़ करनी थी इस ब्यूटी की वो है दिस। ये एक लिक्विड आई शेडो है और मैंने जो शेड पिक किया है वो है 03 शैम्पेन। मैंने इसके बारे में भी बहुत सुना है क्योंकि आज मैंने ग्लिटर लगाया है, लेकिन ग्लिटर को टैकल करना, हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर वो इधर उधर गिर गया ना बेटा तो फिर वो हटने वाला नहीं है, और उससे फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना कहीं कहीं से अगर लाइट पड़ेगी तो आपका फेस चमकेगा, तो आप बंदरिया के अलावा कुछ नहीं लगेंगे, इसलिए ग्लिटर के साथ खेलना बहुत ही रिस्की है, पर कभी कभी खेल सकते हैं। बेस मेकअप करने से पहले आप अपना आई शेडो मेकअप कर लें और अच्छे से आई शेडो को प्राइम करें, उसका भी प्राइमर आता है, और ताकि वो इधर उधर ना फैले, गिरे ना, ऊपर नीचे ना लगे, तो इसलिए मैंने ये लिक्विड आई शेडो मंगाया है। शैम्पेन शेड एक ऐसा शेड होता है जो आप ब्राउन के साथ, पिंक के साथ, रेड के साथ, मतलब लिटरली किसी भी शेड के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा कलर है, मैं बता नहीं सकती, इट्स सो फ्रिकिंग गुड। आपको दिख नहीं रहा होगा इस पर, लेकिन इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल भी चमकी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शाइन है उनमें, बहुत ही अच्छा है ये। मैं डेफिनेटली इसे किसी ना किसी शॉर्ट वीडियो में ट्राई करूँगी, फिर आप वहाँ पे देखना, ही बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, मतलब ये हाईली हाईली रिकमेंडेड चीज़ है। अगर आप इसे मंगा लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश और सॉर्टेड रहेंगे। इसका MRP 229 यानी कि ऑलमोस्ट 230 रुपये, लेकिन ये मुझे ड्यूरिंग से राइटिंग 180 समथिंग का मिल गया था, और इसमें काफ़ी क्वांटिटी आपको मिलती है, लाइक सीधे से कहीं ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि इतना इनफ है एक बार की आई पे लगाने के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग जिसकी मैं बहुत ही ज़्यादा दीवानी हूँ, लाइक दीवानी मस्तानी हो गई हूँ मैं। ये बहुत ही एक अच्छा लाइक सुपर लिक्विड हाईलाइटर है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी, लिक्विड हाईलाइटर ड्रॉप एंड ग्लो। इसमें आपको 18 ml मिलता है और इट कॉस्ट मी समवेयर अराउंड रुपीज़ आई थिंक बिलो 300, या डेफिनेटली बिलो 300। इसका MRP मुझे दिख नहीं रहा, पर मैंने मंगाया है ये शेड 02 गोल्ड। इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे, ठीक है, पिंक भी मिल जाएगा, मेटल भी मिल जाएगा, ब्रॉन्ज भी मिल जाएगा, पर मैंने गोल्डन शेड मंगाया है क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर मेकअप के साथ चला जाता है, और मैंने आगे से अप्लाई भी किया है, एंड यू कैन सी दिस द शाइन, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपकी स्किन के अंदर से आ रही है शाइन, नेचुरली ग्लोइंग लगती है। जब भी अपन कोई ऐसा पाउडर हाईलाइटर लगाते हैं ना, तो उसके चांसेस होते हैं कि चमकी पार्टिकल्स दिख जाएंगे, पता चलेगा कि हाईलाइटर लगाए हैं, बट इफ़ यू अप्लाई अ लिक्विड हाईलाइटर मतलब पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है, बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है ये, और यू कैन सी दिस, ऐसा लग रहा है कि अंदर से चमक आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे पूरी बॉडी में भी लगा सकते हैं, अगर आप कोई ऑफ शोल्डर चीज़ पहन रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा डीप नेक पहन रहे हैं, तो आप अपने एरियाज को हाईलाइट कर सकते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट है। इसका कुछ इस तरीके का पैकेजिंग आता है, इसमें ये ड्रॉपर आता है, यू कैन सी दिस, और मैं बहुत ही हल्का सा आपको लगा के दिखाती हूँ, लाइक हियर, गाइस सी द शाइन, मतलब इट इज अमेजिंग। मैं इसकी फैन हो गई हूँ, वो वाला गाना है ना, मैं तेरा हाई रे जबर हो ये जबर फैन हो गया, ये वो वाली चीज़ है। मतलब अगर आपने इसे मंगा लिया ना, सच बता रही हूँ, आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी हाईलाइटर के मामले में, और जो कितना क्वांटिटी देती है वो गेटिंग इन जस्ट 300 बहुत ही ज़्यादा है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और इसका जो एक्सपायरी होता है वो भी 3-4 साल का होता है, तो आप इजीली इसे चला सकते हैं, मतलब
बहुत टाइम तक एक बार इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ 300 रुपये बहुत ही अच्छी चीज़ है. सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. सो यार दैट्स प्रीटी मच इट इन टुडेज़ वीडियो गाइस. आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा. आपने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इसमें नोटिस करूंगी. लाइक दीज आर द बेस्टेस्ट ऑफ द मेकअप प्रोडक्ट्स जो आपके पास होने चाहिए एंड ऑल कॉस्ट ड्यूरिंग सेल बिलो 300 रुपीज़. और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये. कभी सेल आए तो आप ले सकते हैं. मैंने ये सारी चीज़ें नायका से मंगाई थी कि नायका पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है. अगर मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें आती हैं. सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो लाइक मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड डू नॉट फॉरगेट दैट आई लव यू सो मच. सरेंगी, बाय.